नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं जेजन की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। इस वक्त टीम की मौजूदगी है डुंगा वार्ड 36 में, जहां बीते दिन यहां पर महिलाओं द्वारा एक होम स्टे का विरोध किया गया है। ठीक मेरे सामने आप तस्वीरें देख सकते हैं, होम स्टे है, मौजूद है। और जिन प्रदर्शनकारी महिलाओं का नाम की जानकारी सामने आई थी, उसमें से एक महिला हमारे साथ मौजूद है। और आपको बता दूं कि यहाँ हमने तमाम महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी खुलकर बातचीत करने को तैयार नहीं है। सब एक के ऊपर जो अब मामला डालते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल एक जो महिला है वो सामने आई है, जिनका नाम प्रदर्शनकारी महिलाओं में शामिल था। इनसे पूछते हैं किस बात का विरोध है, क्या यहाँ पे कृत्य किए जा रहे हैं। जो हमको जानकारी है उसके अनुसार प्राधिकरण के मानकों को इसमें ताक में रखा गया है इसके निर्माण में। इसके अलावा यहाँ पे अनैतिक कार्य किए जा रहे हैं। और जब कल जो कार्रवाई की गई उसमें पुलिस ने दो बगैर सत्यापन किए गए कर्मियों को भी पकड़ा है। 10,000 की चालानी कार्रवाई की गई है, जो जानकारी सामने आई है। बहरहाल महिला से पूछते हैं कल क्या मौके में हुआ और क्या बात है वो इसका विरोध महिलाओं की ओर से किया जा रहा है, क्योंकि खासकर महिलाएं इसका विरोध कर रही है, पुरुषों के द्वारा किसी का विरोध नहीं किया जा रहा है। नमस्कार, मैं नाम बताइए। मेरा नाम नेहा भट्ट है। हाँ, जिस प्रकार से कल विरोध इस होम स्टे का हुआ है, आपका नाम भी प्रदर्शनकारी महिलाओं में शामिल हुआ है, क्या किन बातों का विरोध है? मैम, जितना जब तक मुझे सारी बातों की जानकारी नहीं थी तो मैं इन लोगों के साथ में थी। मैं इस बात को मना नहीं कर रही हूँ कि मैं नहीं थी, बट जब हम पार्षद भाई टिनसेट पुलिस थाने के पुलिसकर्मियों के साथ जब अंदर गए तो हमें लीगल बातें पता चली। उसके बाद हमने इस चीज़ का कोई विरोध नहीं किया है। जो भी वहाँ पर कस्टमर थे, हमें नहीं पता वो कौन थे क्या थे, बट उनने जिस तरीके की जानकारी दी वो मुझे कहीं से कहीं तक इल्लीगल नहीं लगा। पहले किस बात का विरोध था? पहले कुछ शक हुआ स्थानियों को, क्या कुछ हुआ? मतलब मुझे ज़्यादा कुछ डिटेल का पता नहीं है। मैं कहीं से आ रही थी तो मुझे इतना ही बताया गया कि यहाँ पे कुछ इल्लीगल तरीके का हो रहा दो दिन से है। मुझे कुछ ऐसा लगा कि मतलब बड़ा केस है। जब हमने अंदर जाके जानकारी की तो मुझे उसमें कुछ ना इल्लीगल लगा, ना आज तक हमें किसी चीज़ से दिक्कत हुई है, ना होटल से, ना होटल के आने वाले कस्टमरों से, ना मुझे, अब मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, हमें मतलब नहीं है कि उनसे कोई दिक्कत हो रही है। जिस इंसान ने वहाँ पे पैसा खर्च कर रखा है वो अपना पैसा वसूलेगा। आरोप क्या है जरा? आरोप महिलाओं का, मैंने आपसे बोला जैसे कि मैं भीड़ में नहीं थी, जैसे इन लोगों ने बोला कि मुझे यहाँ पे कुछ बड़ी बात है तो मैं इतना ही देखने गई थी। जो मैंने देखा वो कहीं से कहीं तक इल्लीगल नहीं था। महिलाओं ने क्या बड़ी बात कही? जो हमको जानकारी है उसके अनुसार जो एक तो प्राधिकरण के मानकों को ताक में रखा गया, ऊपर से अनैतिक कार्य यहाँ पे किए जा। जिस टाइम पे मैं वहाँ पे थी, जो मतलब एक इंसानों में जिनकी एक मैं वो रखती हूँ, तो उनने ऐसा कहा कि आप अपनी गाइडलाइंस को थोड़ा ठीक करें। अच्छा, गाइडेंस खराब, थोड़ी ठीक करें, बस इतनी सी बात हुई। जैसे अभी आपने जो कहा कि ये लेडीज भी उनमें थी, तो मतलब जो एक पढ़े लिखे इंसान दो तीन उसमें थे, उनने यही कहा कि भैया हमें तुम्हारे होटल से कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना है कि आप अपनी थोड़ी सी गाइडलाइंस को ठीक करें। जिस प्रकार से महिलाओं आपको महिलाओं ने बताया कि दो दिन से यहाँ पे कुछ हो रहा है, हाँ। वो दो दिन से क्या कुछ था? आप कह रहे थे, आपने अभी ऑफ कैमरा बताया था कि आप ऊपर भी गई थी, आपने देखा भी था कौन वो बच्चे थे, विस्तार से बताइए। वो बच्चे, उनने जैसे हमको बताया, उनने बोला कि हमारा दोस्त है, एक बच्ची बता रही थी, मैं टनकपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, दूसरा पिथौरागढ़ का बता रहा था बच्चा, मैंने उनसे बाय फेस खुद बात करी है, तो उनने कहा कि हमारा कोई फ्रेंड है जो कटघरिया में रहता है, तो उनने गूगल सर्च करने पे ये होटल का लोकेशन आया, तो उनने ये सोच के आगे मतलब बोला कि हमको कुछ ऐसा कुछ पता नहीं था, और उनने अपनी टिकटें दिखाई। लड़के ने कहा कि अब मेरी फ्लाइट है दिल्ली से, फिर वो कहीं एयर होस्टेज की बात कर रहे थे, जो भी था बच्चों ने लीगल तरीके बताए, 700 रुपये उनने जमा करे थे, 80 रुपये हम बाद में देते, आधार कार्ड प्लस, दोनों बच्चे 18+ थे, 18+ थे, दोनों बच्चे 18+ थे। जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि तुम लिविंग रिलेशन जैसे उसको मान्यता दे दी गई, तो हम और आप कौन होते हैं उसको रोकने वाले? जिस दिन बन रहा था, मेरा कहना इतना ही है, जिन महिलाओं को इतनी दिक्कत हो रही ना अभी प्रेजेंट में, जो सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, यही महिलाएँ वहाँ इन्वाइट थे। जिस दिन होटल का उद्घाटन हुआ यही महिलाएं थे, उस दिन इनवाइट में हम नहीं थे, हम कोई नहीं थे। आज ये मीडिया को हमारे पास भेज रहे हैं ना, उस दिन हम नहीं थे, ना हमको इनवाइट था। बिल्कुल, मैं दर्शकों को बता दूं कि हम नीचे से पूछताछ करते आए हैं कि कौन वो महिलाएं थी जिन्होंने विरोध किया था। सभी हमें बताती हुई आई कि जो होम स्टे के ऊपर वाला भाग है वहाँ से विरोध हुआ था, सामने वाले से विरोध हुआ था, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि जो विरोध है वो होम स्टे के सामने नीचे के एरिया से हुआ है, और लेकिन अब वहाँ की महिलाएँ कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्यों बोलने को तैयार नहीं है? तुमने किसी की चीज़ पर उंगली उठा दी तो उसको क्लियर भी करो ना, साफ करो, तुम्हें किस चीज़ से दिक्कत है, बाहर आने में क्या, किस बात की डर है? तो नहीं डरी, हम तो कल दिन भर नहीं गए, लेकिन मैं डर रही हूँ मीडिया से बोलने में, हम कहीं पे डरे?
किस बात पे डर है? जब तुम गलत नहीं हो, तुमने जिस बात पे, तुम्हें जिस चीज़ से परेशानी है, तो अगर समाधान होगा तो मीडिया से ही होगा। जिस चीज़ से दिक्कत है आप मीडिया के सामने में बात रख सकते हैं ना कि हमें इस चीज़ से। जब तुम आपसी रंजिश के लिए ये सब कर रहे हो तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। हमें वो भैया से कोई रंजिश नहीं है, जो चलाते हैं बहुत अच्छे इंसान है ना। हमें हमारे आने में जाने में, देखो बड़ी बात तो ये है कि हम तो सुबह 6 बजे हस्बैंड जाते हैं, 8 बजे मेरा लड़का जाता है, 9 बजे मैं जाती हूँ। ना हमें आने में ना हमें जाने में कभी भी किसी चीज़ की असुविधा नहीं हुई। जैसे असुविधा की आप बात कर रही हैं, जो आरोप थे उसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट ये भी था कि पास में ही स्कूल भी है, इससे थोड़ा सा माहौल खराब हो रहा है, ऐसी बातें की गई। अगर स्कूल का माहौल खराब हो रहा है तो ये स्कूल के ओनर बोलेंगे ना। इसमें स्कूल के ओनर हैं क्या? स्थानीय लोगों का कहना है, महिलाओं का कहना है कि स्थानीय लोगों के स्कूल से क्या लेना देना। जिन महिलाओं का इसमें नाम है उनकी आप देखो, उनके बच्चे वहाँ पढ़ भी रहे हैं, मेरा लड़का पढ़ता है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है स्कूल से, स्कूल का माहौल खराब हो रहा करके। इनके बच्चे तो वहाँ पढ़ते ही नहीं है, इनको क्या लेना देना फिर? अच्छा, आपका कहना है कि ये कहेंगे आपसी रंजिश के चलते। ये आपसी रंजिश है और कुछ नहीं है। जब तक इनको खिला रहे थे, पिला रहे थे, जब तक इनका ठीक ठाक चल रहा था, जिस दिन से इनका आना जाना थोड़ा सा बंद हो गया। मैं आपसे एक बात कहती, एक आम इंसान है, जब भी मैं आती जाती थी, जिन महिलाएं ने सबसे ज्यादा कल विरोध किया है उन्हीं को मैं सबसे ज्यादा उसकी पार्किंग में देखती थी। क्या मतलब है? अगर हमें तो दिक्कत इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमारा पहले भी कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, भैया चलाए बहुत अच्छे से चला रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ बहुत अच्छे से चला रहे हैं। हम लोगों के लिए तो और भी सुविधा है, हम लोगों के पास छोटे छोटे घर हैं, कोई हमारे घर में आ जाता है, कोई गेस्ट होता है, हमें दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम यहाँ पर जा सकते हैं, बुक कर सकते हैं, लीगल तरीके से अपने गेस्ट को वहाँ पर रख सकते हैं। चलिए ठीक है। जिस प्रकार से एक महिला का नाम सामने आया था, हमें मिली, हमने बातचीत की, इनका साफ तौर पे कहना है कि इनको कोई व्यक्तिगत रूप से विरोध नहीं है। नाम लिखे गए हैं, हाँ। जिन भी महिलाओं का नाम लिखा गया है, जैसे संगीता है, गीता है, यहाँ पे वहाँ पे कोई नहीं होने के बावजूद भी किसी के मर्जी के खिलाफ ही तुमने हमसे ये साइन करने को कह रहे थे। जब से हमें लगा कि ये चीज़ें अच्छी ठीक तरीके से चल रही, तो ना हम वहाँ पे गए, ना हमने साइन कराए, बिना साइन के, बिना हमारी मर्जी के, हमारा नाम किसने ओपन कर रखा है? नाम को लेके विरोध है, नाम को लेके भी विरोध है। होटल कोई इलीगल तरीके से नहीं चला, मैं तो ये कह रही हूँ हमें तो सुविधा है। हम तो अभी परसों ही ये गणेश महोत्सव में कर रहे थे, अगले साल हम और इनवाइट करेंगे लोगों को, दूर से भी हमारे लोग आएंगे, झांकी आती है, ये आती है, वो आती है, हमें सहूलत हो जाएगी। हम घर अपने उसमें खाने पीने का नहीं है, होम स्टे है, तो हमें तो और सुविधा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो चलाए बहुत अच्छे से चलाए, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। चलिए, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें असुविधा नहीं है तो हम क्यों बोले? ठीक हाँ, मेरे हिसाब से ना स्कूल का माहौल खराब हो रहा है, ना मोहल्ले का माहौल खराब हो रहा है। जिस प्रकार से आपने महिला की बात सुनी, इनका नाम इसमें शामिल था, यही कारण था कि हमने इनसे बातचीत करने की कोशिश की। इन्होंने बातचीत भी खुल के करी, अपनी बातें खुल के सामने रखी, हालांकि इससे पहले उन्होंने तमाम महिलाओं को अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन बातचीत करने में कतरा रही है। क्या प्रॉब्लम है? अगर तुम्हें सच में किसी चीज से दिक्कत है, जितनी उन्हें महिलाओं ने कल इतना विरोध करा है, तो तुम इलीगल क्या है वो चीज को मीडिया को क्यों नहीं बता रहे हो? तुम्हें क्या बुरा लग रहा है ये चीज़ बतानी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब कोशिश और महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, हालांकि क्या कुछ पूरा मामला है विस्तार से जानते हैं, क्योंकि आपने एक पक्ष सुना, इनको कोई दिक्कत नहीं है, ना इनको होमस्टे से दिक्कत है, ना ये कह रही कि माहौल गंदा हो रहा है, और इनके खुद के बच्चे जिस स्कूल के नाम पे बोला गया था। हाँ, थोड़ा सा जो महिलाओं का जो कल जिनमें इसमें जो दो एक महिलाएं थी, उनका विरोध ये था कि आप थोड़ी सी अपनी गाइडलाइंस ठीक करें, ठीक कर लें, बस हो गया, इतना सा कहना था। बाकी मतलब इतना बड़ा जो इशू बनाया गया, ये आपसी रंजिश है और कुछ नहीं। ठीक है, जिस प्रकार से तमाम आपने बातचीत सुनी है, कुछ और महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, यदि बातचीत करने को सहज होती है, होम स्टे के यदि मालिक मिलते हैं मौके पर, उनसे बातचीत करते हैं। हर पक्ष सामने आना चाहिए, एक पक्ष आता है सामने, उसके बाद खबर को कुछ और बना देना ये बिल्कुल गलत है। दर्शकों के पास हर तबके का व्यक्ति होना चाहिए, हर पक्ष का व्यक्ति होना चाहिए, ताकि जो दर्शक हैं वो अच्छे से पूरी खबर को जान सके, भाप सके। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, खुलकर क्या पूरा मामला है आपके सामने रखते हैं, हम भी खुद समझते हैं, आपको ही बताते हैं। तो इस प्रकार से आपने इससे पहले महिला की बात सुनी थी, उनको किस प्रकार का विरोध नहीं था, उसके बाद हम बाकी एरिया में पड़ताल करने निकले, लोगों के घरों में डोरबेल बजाते बजाते हम भी थक चुके हैं, लेकिन अब कोई भी बाहर आने को तैयार नहीं है। कोई कह रहा है कि कोई घर में नहीं है, कोई कह रहा है कोई यहाँ पे सालों से नहीं रहता है, कोई कह रहा है कि यहाँ पे बहुत कम रहते हैं, कोई कह रहा है हम नहीं थे, हम उस वक्त घर नहीं थे। आप समझिए कि ये होम स्टे है, इसके आसपास इतने घर हैं, इतने क्षेत्र हैं, लेकिन अभी मौके पर कोई भी महिला नहीं मिल रही है। ये थोड़ी सी असमंजस की स्थिति हमारे लिए भी है, क्योंकि हस्त पुष्टि पूरा क्षेत्र है, पूरा भरपूर क्षेत्र है, ऐसा नहीं कि कोई जंगल का एरिया है। ऐसे में अब कोई भी बात करने को तक नहीं रहा है, एक महिला ने बात की है, लेकिन उनको कोई आपत्ति इस होम स्टे से नहीं है।
वो कह रहे हैं कि लीगल तौर पर बनाया गया है और जो भी विरोध हुआ है वो आपसी रंजिश के चलते हुआ है। बहरहाल यदि हमें कोई और महिला मिलती तो हम उनकी भी बात आपके सामने रखते, लेकिन क्योंकि मौके पर कोई मिला ही नहीं है, सारे के सारे फिलहाल अब बात करने से कतरा रहे हैं, तो ऐसे में दूसरे पक्ष की अब सुनना थोड़ी सी मुश्किल हो गया है और जो भी होम स्टे के मालिक है वो भी मौके पर मौजूद नहीं है। बहरहाल जानकारी जो हमारे पास आई है वो मैं आपको दे दूँ। जो इसमें आरोप लगाए गए हैं वो एक तो ये है कि प्राधिकरण के मानकों को ताक पे रख के इसका निर्माण किया गया है। दूसरा आरोप ये है कि यहाँ पे अनैतिक कार्य हैं वो किए जाते हैं, और जो जांच हुई उसके बाद जो विरोध हुआ उसके बाद जब जांच की गई तो उसमें पाया गया कि दो कर्मी हैं वो यहाँ पर बगैर सत्यापन के रह रहे थे, तो एक उसमें एक बहुत बड़ा कहने की कार्रवाई है वो की गई, जो भी लीगल कार्रवाई है उसमें की गई। और जो दूसरा आरोप लगा था कि अनैतिक कार्य यहाँ पे किए जाते हैं, कृत्य किए जाते हैं, लेकिन पुलिस को अपनी जांच में ऐसा कुछ भी मौके पर नहीं मिला, तो इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। बहरहाल महिला की ओर से जो भी इससे पहले आपने एक महिला मिली, एक ही हमें पूरे एरिया में महिला मिली जिसने खुलकर बात रखी है कि क्या कुछ पूरा मामला हुआ और किस प्रकार से पूरा प्रोसेस हुआ, क्या कार्रवाई हुई। और बहरहाल वो जो महिला थी वो प्रदर्शनकारी महिलाओं में शामिल भी नहीं थी, लेकिन उनका नाम भी प्रदर्शनकारी महिलाओं में लिख दिया गया और जो महिलाएँ शामिल थी अब वो बात करने से साफ तौर पर बच रही हैं। ऐसे में किसकी क्या गलती है ये बहुत बड़ी बात है और सवाल भी बहुत बड़ा है, क्या वाकई में आपसी रंजिश के चलते इस प्रकार का कृत्य है वो किया गया है, क्योंकि अब मौके से सभी नदारद मिल रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पे बीते दिन 10,000 की चालानी कार्रवाई है वो कर दी गई है। इसके अलावा ये भी बात कही गई है कि अपनी जो गाइडलाइंस है उसको दुरुस्त कराएं, किस प्रकार की कमी पेशी गाइडलाइंस में निकाली गई है। और जो बात कही जा रही थी कि पास ही में जो स्कूल है उससे कहने के माहौल ख़राब होता है, ऐसे में जो महिला से हमने बात की, क्योंकि एक ही महिला से बात की है तो बार बार जिक्र भी उसी का करूँगी, क्योंकि बाकी महिलाएँ बात करने से अब कतरा रही हैं। उनका कहना है कि उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनका खुद के जो बच्चे हैं वहाँ पढ़ते हैं। ऐसे में क्या कुछ पूरा कल ढूंगा मैं यहाँ हुआ है अब थोड़ा समझना मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र में अब सारी की सारी महिलाएं अब गायब हैं, सबके घरों में ताले लटके हुए हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं है, कोई बाजार गया हुआ है, कोई कह रहा है यहाँ सालों से नहीं रहते। थोड़ा सा मुश्किल हमारे लिए समझना हो रहा है कि वाकई में यह आपसी रंजिश के चलते इस प्रकार का जो प्रदर्शन है कल किया गया या ये क्या था। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, मैं अपने सहयोगी किरण के साथ पल्लवी, जे न्यूज़ हल्द्वानी, नमस्कार।